चंडीगढ़ मनाली हाईवे शनिवार रात से एक बार फिर जाम हो गया। हाईवे पर जाम लगने के कारण खराब ट्रक रहे, जिनके बाद बढ़ती वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। पंजपीरी के समीप इन खराब ट्रक और बढ़ती ट्रैफिक के चलते बिलासपुर तरफ की यातायात व्यवस्था को गंबरपुर से रामशहर होते हुए कीर्तपुर की तरफ से आ रहे वाहनों को उन्ना रोड से डाइवर्ट करना पड़ा। उसके बाद देर रात स्वारघाट चौक पर एक ट्रक के मुड़ते हुए कल पुर्जे टूट जाने से जाम और बढ़ता चला गया। जाम के चलते रविवार सुबह तक ट्रक चालक, टूरिस्ट सहित अन्य सब्जी वाहन परेशान होते देखे गए। आगे आशी कैसी रतांग, रतांग तो बाद फिर अस देख लो कड़ा बड़ा जाम है। हिमाचल के ना कोई ट्रेन का मतलब कि ट्रेन का सुविधा है, ठीक है। फिर सारे बंदे उरे पंजाबी बंदे परेशान होंगे ने, गड्डिया कोई भी आ, गड्डिया वाला का मोटरसाइकिल सारे बंदे परेशान होंगे ने। हिमाचल सरकार को एक बेनती करते हैं कि भी उरे ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों जो आते हैं भाई घूमने के लिए आते हैं, उनको भी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो जहाँ लोग रहते हैं उनको परेशानी है। और हमें फिर अभी फिर 4 बजे जाम लगा था, अभी 6 बज गए, 2 घंटे हो गए फिर, ठीक है ना। हमें हिमाचल सरकार से बेनती करते हैं कि ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए और रोड साफ होनी चाहिए। धन्यवाद। टमाटर लोड कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान जा रहे हैं। कितनी देर से जाम में फंसे हैं? पूरी रात का ही फंसा। वो क्या बोल रहे हैं, क्या वजह क्या है जाम लगने की? साइड में साधन नहीं करते, कुछ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, कुछ और नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ खराब है। टमाटर है और ज़्यादा देर खराब भी हो सकती है।